रिकॉर्डिंग ऑन हुई? मिस कुछ टाइम बाद ऑन होती है, मिस अभी नहीं हुई। जी मैम हो गई। बस अभी तो वो यस मिस ठीक हो है, गई। अब मैं वो वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप से। क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, कैफ ऑफ टी आपका बराबर है 1 माइनस कॉस टी। तुमने सब क्यों सेंड कर दिए, क्वेश्चन सेंड करती ना। ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है, एफ ऑफ टी बराबर है 1 माइनस कॉस टी बाई टी। अब सबसे पहले तो मैं नीचे डिवाइड बाय टी देखते ही पता चल गया कि ये क्या है, डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी है। क्लियर है ये बात, क्वेश्चन देखते ही पता चला तुम लोगों को। साथ साथ मुझे प्लीज अपडेट किया करो, इस चुप में ना मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है, समझ आ रहा है कि नहीं। यस साथ साथ प्लीज मुझे अपडेट किया करो सब, कि देखो 1 माइनस कॉस टी के साथ टी यस देखो डिवाइड हो रहा है, टी डिवाइड देखते ही पता चल गया कि डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, इसका एफ ऑफ एस निकालोगे। एफ ऑफ एस कैसे निकलेगा, 1 अपॉन टी माइनस कॉस टी बाई टी। मतलब हम फंक्शन का एफ ऑफ एस निकालते हैं, फंक्शन का एफ ऑफ एस कैसे निकालोगे, 1 अपॉन टी माइनस कॉस टी बाई टी। 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, तो लैपलेस क्या होगा, रोल नंबर टू। टी अपॉन टी प्लस का 1 अपॉन टी का लैपलेस क्या होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। 1 अपॉन टी का लैपलेस क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 1 अपॉन टी का लैपलेस क्या होगा। अब देखो जिसको यही नहीं पता था ना कि 1 अपॉन टी का लैप्लेस क्या है, कॉस का लैप्लेस क्या है, तो तुम लोग प्रॉब्लम में आ जाओ, तुम लोगों को इजीली। तो नंबर 38 क्या होगा, 1 अपॉन टी का लैप्लेस। नंबर 171, तुम अपना माइक म्यूट करो, तुम्हारे पीछे बहुत शोर हो रहा है। रोल नंबर 32, 38, 01 क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। क्या होगा 1 अपॉन टी का होगा 1 अपॉन एस, और कॉस टी का क्या होगा, -s² - s / s² + 1। ये हम क्लास में बहुत डिटेल से कर चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको बहुत ज्यादा समझाना पड़े। अच्छा मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को, मेरी आवाज आ रही है? ठीक जी मैम, आवाज क्लियर है। है, अब देखो पहले तो मैंने एफ ऑफ एस निकाल दिया। जब एफ ऑफ एस निकाला यानी मेरे पास क्या था, कॉस टी था, मैंने कॉस टी का काम तो 1 माइनस कॉस टी तो मैंने कर दिया। हाँ बोलो। मैम सिर्फ वन का लैपलेस 1/s होता है ना, 1/t का लैपलेस कहाँ से है? सिर्फ वन का लैपलेस 1/s आएगा। नहीं तो 1 अपॉन टी है ही नहीं ना, वो सिर्फ 1 है, 1 अपॉन टी नहीं है ना। टी तो डिवाइड बाय टी की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। मेरे तो पास आप वन क्वेश्चन अपॉन क्या है, टी का लैपलेस पूछ रही थी। नहीं 1 का आपने लैप्लेस, लैपलेस टी वन को अपॉन टी मतलब। का पूछा था। अच्छा मैं गलती वन से का तो वन पूछ रहा अपॉन होगा, एस मेरे होगा। पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है, देखो 1 माइनस कॉस टी बाई टी, बाई टी किसको शो कर रहा है, टी शो कर रहा है कि ये तो लैपलेस की प्रॉपर्टी है, डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 1 माइनस कॉस टी को सॉल्व कर लेती हूँ। 1 माइनस कॉस टी कैसे सॉल्व होगा, देखो 1 का लैपलेस 1 अपॉन एस होता है, और कॉस टी का लैपलेस क्या था, अच्छा डिविजन मल्टी, जब भी आपके पास 1 माइनस कॉस टी हो 1 प्लस कॉस टी हो, आप इसको अलग अलग लिख सकते हो लैपलेस में, जिस तरह के आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में लिखते थे। ये मैंने क्लास में बहुत डिटेल से बताया था, जबकि अगर ये दोनों चीजें, जैसे अगर यूं होता कि 1 माइनस कॉस टी नहीं होता बल्कि समझो कि sin t cos t, यानी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते, जिस तरह हम लैपलेस में मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी है वो लगाते। अच्छा अगर 2 cos t होता तो 2 क्या है, जिस तरह हम वहां पर करते थे कि 2 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दो, ये मैंने तुम लोगों को क्लास में बताया था। यहाँ भी हम यही करते हैं कि cos t का सिर्फ लैपलेस निकालते, 2 को मैं क्या कर देती एज अ
कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देती। यहाँ मेरे पास सवाल किया वन माइनस कॉस टी, तो मुझे पता है कि वन का मैं अलग लैपलेस निकालूंगी, कॉस टी का मैं अलग लैपलेस निकालूंगी। वन का लैपलेस वन अपॉन एस होता है, कॉस टी का लैपलेस एस बाय एस स्क्वायर प्लस वन होता है। लेकिन क्योंकि बाई टी है तो बाई टी देखते ही मुझे पता चल गया कि मेरे पास क्या प्रॉपर्टी लगेगी, डिविजन प्रॉपर्टी लगेगी। डिविजन प्रॉपर्टी क्या है, एस टू इन्फिनिटी है, वन अपॉन एस माइनस एस बाय एस स्क्वायर प्लस वन डी एस। ये मैं ऑलरेडी मैंने एफ ऑफ एस निकाल के रख दिया, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मेरे पास क्या है, एक तो इन्फिनिटी है और एक मेरे पास क्या है एस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगी, अपर लिमिट लगाऊंगी। अपर लिमिट लगाया मैंने तो मेरे पास क्या हो गया, एल एन एस माइनस वन अपॉन टू एस स्क्वायर प्लस वन इन्फिनिटी टू एस। अब देखो एल एन एस है, ठीक है। एल एन एस क्या होता है मुझे कोई बता सकता है, वन अपॉन एस का क्या होता है मेरे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला, एल वन अपॉन एस का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, एल एन एस होता है। और एस बाय एस स्क्वायर प्लस वन तुम लोग देखोगे तो एस स्क्वायर प्लस वन को या तो तुम लोग सपोज कर लो जो कि टू एस होता है, और एस टू को तुम बाहर निकाल दोगे तो वन अपॉन टू बाहर निकलेगा और ये एल एन एस स्क्वायर प्लस वन आएगा। ये बात क्लियर हो रही है कि दोबारा बताऊं? अगर तुम लोग मुझे साथ साथ नहीं अपडेट करोगे, खामोश रहोगे, मुझे समझ नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो रही है कि दोबारा बताऊं? सेक्शन बी वालों को तो समझा ही चुकी हूँ पूरा, सेक्शन ए वालों को बता रही हूँ। ये देखो डिविजन प्रॉपर्टी, इसलिए यहाँ पर एस टू इन्फिनिटी लगा। एफ ऑफ एस में ऑलरेडी साइड पे निकाल चुकी हूँ, वो क्या है मेरा वन अपॉन एस माइनस एस बाय एस स्क्वायर प्लस वन और डी एस। अब मुझे जब लिमिट को सॉल्व करूंगी तो अब लिमिट में किस तरह सॉल्व करूंगी, इन्फिनिटी से एस को सॉल्व करूंगी, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे पास क्या बन रहा है, एल एन एस वन अपॉन एस से आया था, एस बाय एस स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन किस तरह सॉल्व होगा। वैसे तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि वन अपॉन टू एल एन एस स्क्वायर प्लस वन, अगर जिनको डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं आ रहा वो किस तरह सॉल्व करेगा कि एस स्क्वायर प्लस वन को तुम लोग साइड में सॉल्व टी के बराबर ले लो, तो आपके पास टू एस डी एस किसके बराबर होता है, डी टी के बराबर होता है। तो वन अपॉन टू किसके बराबर हो जाएगा, डी एस के बराबर, जो कि एल एन एस स्क्वायर प्लस वन के बराबर हो गया। क्लियर है ये बात, यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू वरना दोबारा बताऊ? मुझे अपडेट कर दो प्लीज, खड़े रहोगे चुप रहोगे तुम लोगों का टाइम वेस्ट होगा, मुझे अपडेट कर दो प्लीज। रोल नंबर 71 32 40 38 01 मुझे प्लीज अपडेट कर दो। देखो ये एग्जाम में आएगा, फिर नहीं बोलना कि मिस हम किस तरह करें, इसलिए बोल रही हूँ। क्लियर है वरना दोबारा बता दो। सही है। अब तुम लोग सोच रहे होगे, हाँ बोलो मिस, ये जो पावर मिस, ये जो लिमिट्स आई है इन्फिनिटी और फाइव, ये कहाँ से आई? ये मैं कब से तो मेरा बच्चा समझा रहा हूँ कि ये जो एस टू इन्फिनिटी है, पीछे प्रॉपर्टी भी तो मैंने बताई कि जब भी जिस तरह मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी में तुम माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस लगाते थे, इस तरह डिविजन प्रॉपर्टी में तुम एस टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ एस डी एस, पीछे तो मैंने अभी थ्योरम बताया कि एस टू इन्फिनिटी डिविजन बाय टी में एस टू इन्फिनिटी हमारी जो लिमिट्स हैं, हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो फिक्स्ड है, अभी तो मैंने बताया। पीछे थ्योरम देखो तुम, इसी के ऊपर जरा थ्योरम देखो, बॉडी को साबुन से धोकर वो तो सेव का जो सोर्स होने चाहिए। तो 6 बजे का भाई को भी टाइम दे देना, 10 बजे आती हूँ, सुबह 10 बजे से कुलन थी और शेयर दे देना। देखो मैंने पीछे जो तुम लोगों को थ्योरम करवाया है उसमें तुम्हारे पास तुम्हारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा अब देखो एल एन एस माइनस वन अपॉन टू एल एन एस स्क्वायर प्लस वन पे हमारा क्वेश्चन था, क्या मैसेज कर रहे हो, किसी ने मैसेज दिया, मिस कैन यू चेक प्लीज दिस क्वेश्चन, बोलो किसी ने मैसेज दिया हुआ है कि मिस आप प्लीज ये क्वेश्चन चेक कर लें। मिस वो पुराना क्वेश्चन आपने होमवर्क
आपने होमवर्क दिया था, तो जब आप फ्री होगा तो उसे चेक कर लेगा। ये तुमने खुद ने किया है ना? मैंने क्लास में भी ये करवाया। क्लास वाला कहाँ गया? मैंने खुद अपने हाथ से करवाया था। नहीं, फिर मैंने क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया है। वो है किसी के पास? सेम एज इट इज तो नहीं कराया, अलग कराया था थोड़ा। इससे इसी से मिलता जुलता मैंने ये कॉस टी है, मैंने साइन टी वाला करवाया था, राइट? ये साइन ही है मिस। नहीं, मैंने तुम लोगों को साइन टी वाला करवाया था। ये क्वेश्चन 1 माइनस कॉस टी का है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने खुद क्लास में करवाया था। मेरे हाथ का किया हुआ है तुम्हारे पास? जी मिस होगा। उसी को प्लीज सेंड करो ना, अपने हाथ का किया हुआ नहीं करो ना। और क्लास में दूसरे बच्चे का है मिस? ये आपने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, तो ये मैंने आपको कहा कि आप दूसरे बच्चे ने, मैंने तुम लोगों को होमवर्क, मैंने तुम लोगों को क्लास में जो डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाई थी उसका क्वेश्चन करवाया था, वो तुम्हारे पास है? मैम आपने जो क्वेश्चंस करवाए थे वो मैंने आपको भेज दिए हैं। ये जो अभी तुमने जी जो भेजा है ना, वो सब आपने करवाया है? जी मैंने करवाया ना। अभी जिसने मुझे मैसेज किसी ने किया कि मिस मेरा क्वेश्चन सेंड करें, मैं कहां तो चेक करूं? मैम वो होमवर्क क्वेश्चन है, वो आप फ्री होकर चेक कर लीजिएगा। प्लीज ड्यूरिंग द क्लास मुझे ये वाले मैसेज मत सेंड करो। मैं समझी कि तुम कह रही हो कि मिस ये वाला क्वेश्चन मैंने खुद ने किया है। मुझे अभी किसी का मैसेज आया कि मिस ये वाला क्वेश्चन चेक कर ले, मैंने अभी आपको सेंड किया, होमवर्क में किया है। ये तो मैंने खुद ने करवाया ना क्लास में। ये वाले क्वेश्चन मैम आपने होमवर्क दे रहे, बाकी जो मैंने आपको पिक्चर्स भेजी हैं वो आपने क्लास में। तो अभी तुमने मुझे पिक्चर्स भेजी हैं, ये वाले जो मैं समझा रही हूँ ये मैंने क्लास में तुम लोगों को करवाया है ना? जी मैम करवाए हैं। हाँ ये वाले क्वेश्चन मैंने खुद करवाए क्लास में। अब ये देखो हमारा क्वेश्चन डिविजन प्रॉपर्टी पे था, एस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एस माइनस एस बाय एस स्क्वायर प्लस वन डी एस। फर्स्ट ln s माइनस वन अपॉन टू ln s स्क्वायर प्लस वन s टू इन्फिनिटी है, ठीक है? अब तुम सोचो कि मैं से टू ln s कैसे हो गया? इसका मैंने LCM लिया हुआ है। ln s माइनस हाफ ln s स्क्वायर प्लस वन था, इसका LCM लिया है तो टू ln s माइनस ln। अच्छा अब देखो ln की एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ये एक मिनट पहले LCM में बता देती हूँ। LCM इसने जो 2 है डिवाइड बाय 2 LCM लिया हुआ है, जो कि 2 ln s माइनस ln s स्क्वायर प्लस 1 s टू इनफिनिटी। एक ln की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी log के साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे मैंने एक क्लास में तुम लोगों को ये फार्मूले बताए थे कि a log b है, यानी log b के साथ अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, log b और a जो है उसकी पावर बन जाएगी। जैसे 2 ln s है ना, तो तुम लोग क्या करोगे, ln s और ये 2 जो है वो ऊपर पावर में चली जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, ln s स्क्वायर बन जाएगा माइनस ln s स्क्वायर प्लस 1 इनफिनिटी से s, ठीक है? अच्छा अब देखो ln की दूसरी प्रॉपर्टी क्या बन रही है कि ln a माइनस ln b किसके बराबर होता है, ln a अपॉन b के बराबर होता है। तो तुमने क्या लिखा, ln s स्क्वायर बाय s स्क्वायर प्लस 1 s टू इनफिनिटी, ठीक है? ये भी एक ln की प्रॉपर्टी है। अच्छा अब 1 अपॉन 2 जो तुम लोगों ने ऑलरेडी जो उससे आया था उसको तुम लोगों ने बाहर निकाला है। अब मैं क्या करूँगी, लिमिट को सॉल्व करूँगी। लिमिट को सॉल्व करूँगी सबसे पहले किस कौन सी लिमिट में लगाऊंगी, इन्फिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया कि मैं पहले तो इन्फिनिटी जब मैं लगा के देखती थी तो मेरे पास ये अनडिफाइंड फॉर्म आ रही थी। तुम लोग लगा के देख सकते हो कि ln इन्फिनिटी का स्क्वायर बाय इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 1, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इज वॉट अनडिफाइंड फॉर्म। अब इस इन्फिनिटी को मैं कैसे खत्म करूँ, अनडिफाइंड फॉर्म मैंने क्लास में भी तुम लोगों को बताया था कि कभी भी हम लोग अनडिफाइंड फॉर्म लिमिट में नहीं रख सकते। अगर तुम लोगों ने पीछे लिमिट पढ़ा होगा तो हम लोग कभी भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं ले सकते। उस अनडिफाइंड फॉर्म को खत्म करने के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, एस स्क्वायर को कॉमन ले लिया न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो न्यूमिनेटर में मेरे पास एस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा माइनस अपर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट आपके पास एस है,
और एस तो ऐसे ही रहेगा, जो इन्फिनिटी थी तो इन्फिनिटी को आपने चेंज कर लिया, नीचे वाली डाउन लिमिट आपके पास एस है वो तो ऐसे ही रहेगी, इसलिए आपने माइनस एल एन एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस वन ऐसे ही रहने दिया। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, इन्फिनिटी देखो तुमने लगाया वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी इज वॉट जीरो, जीरो तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन जीरो इज जीरो, और फाइनली क्या आ गया एल एन वन आया, एल एन वन किसके बराबर होता है जीरो के बराबर होता है, तो आपकी अपर लिमिट पूरी जीरो बन गई, जीरो माइनस एल एन एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस वन आ गई आपके पास। ठीक है अब क्या करोगे, फाइनली आंसर क्या हुआ आपके पास वन अपॉन टू, जीरो तो ऐसे ही रहेगी माइनस एल एन एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस वन। दोबारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, दोबारा सुनो क्वेश्चन मेरे पास क्या था, क्वेश्चन आपसे कह रहे थे कि आप जो है वो वन माइनस कॉस टी बाई टी का लैपलेस निकालें। अब फॉरन डिवाइड बाई टी देखकर मुझे पता चल गया कि यार ये तो मेरे पास डिविजन बाई टी प्रॉपर्टी है, मैंने क्या किया सबसे पहले अकॉर्डिंग टू थ्योरम इसका एफ ऑफ एस निकाला, एफ ऑफ एस किसका निकालूंगी वन माइनस कॉस टी का निकालूंगी। ठीक लैपलेस ऑफ वन क्या आता है वन अपॉन एस आता है, और लैपलेस ऑफ कॉस टी क्या आता है एस बाय एस स्क्वायर प्लस वन आता है। ठीक है ये दोनों मैंने निकाल के साइड पे रख दिया। अब ये वाला किस्सा तो खत्म हो गया, एफ ऑफ एस तो मेरा आ गया, अब एफ ऑफ एस बाई टी मुझे चाहिए। अब टी का सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप क्या करो एस टू इन्फिनिटी लगाओ इंटीग्रेशन की साइन में और एफ ऑफ एस डी एस लो। अब एस टू इन्फिनिटी मैंने लिखा और एफ ऑफ एस मेरा क्या था वन माइनस कॉस टी, वन माइनस कॉस टी मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ एफ ऑफ एस, जो कि मेरे पास क्या आया था वन अपॉन एस माइनस एस बाई एस स्क्वायर प्लस वन डी एस आया था। ठीक है अच्छा अब मैंने क्या किया सबसे पहले लिमिट सॉल्व कर दी, वन अपॉन एस का इंटीग्रेशन क्या होती है एल एन एस होती है, और माइनस एस बाई एस स्क्वायर प्लस वन की क्या होती है वन अपॉन टू एल एन एस स्क्वायर प्लस वन होती है। जिसको ये निकालना नहीं आ रहा वो डिनोमिनेटर को सपोज करे, डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस वन को सपोज करोगे तो वो क्या हो जाएगा टी के बराबर, और टू एस डी एस किसके बराबर हो जाएगा डी टी के बराबर, तो सिंपल एस डी एस किसके बराबर हो जाएगा डी टी बाई टू, वन अपॉन टू को तुम लोगों ने बाहर निकाल दिया। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बताऊँ वरना दोबारा समझाओ, मुझे कोई अपडेट कर दे यहाँ तक क्लियर है मुझे। yes, miss, clear. अच्छा अब मैंने क्या किया देखो यहाँ तक तो मेरा काम सॉल्व हो गया, अब मैं देख रही हूँ कि यार टू एल एन एस माइनस मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया टू मेरा कहाँ गया टू एल एन एस माइनस एल एन एस स्क्वायर प्लस वन पे मेरा क्वेश्चन रुक गया। अब मैंने देखा कि यार ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब भी लॉग ए के साथ अगर कोफिशियंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उस कोफिशियंट को उसकी स्क्वायर बना सकते हो, तो मैंने क्या कर दिया एल एन एस स्क्वायर कर दिया माइनस एल एन एस स्क्वायर प्लस वन एस टू इन्फिनिटी। अब एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ए माइनस एल एन बी किसके बराबर हो जाता है एल एन ए बाई बी, तो एल एन एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस वन और एस टू इन्फिनिटी। ठीक है अच्छा अब मैंने कहा मैं लिमिट लगाती हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब मैंने अपर लिमिट इन्फिनिटी लगाई यानी इन्फिनिटी का स्क्वायर एल एन इन्फिनिटी का स्क्वायर बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस वन किया तो ये मेरे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ रही थी। इस अनडिफाइंड फॉर्म से बचने के लिए मैंने क्या किया दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से एस स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो मेरे पास एल एन वन बाई वन प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर आ गया, माइनस लोअर लिमिट किया एस है तो लोअर लिमिट तो मेरे पास एज इट इज सेम आ जाएगी। ठीक है अच्छा अब अपर लिमिट में एस स्क्वायर एस स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, वन बाई वन प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर आ गया, अब एस स्क्वायर कैंसिल वन बाय वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है जीरो होता है, तो वन बाई वन प्लस जीरो यानी वन, यानी फाइनली मेरे पास एल एन वन आ गया, एल एन वन क्या होता है जीरो होता है, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आपके पास क्या है एस है जो कि सेम ही रहेगी क्योंकि एस की जगह तो ऐसे ही रहेगा, तो एल एन एस स्क्वायर बाय एल एन एस स्क्वायर प्लस वन सेम रहा, तो अब मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया वन अपॉन टू माइनस एल एन एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस वन। क्लियर है कि दोबारा बताऊं डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी, क्लियर है कि दोबारा बताऊं मुझे प्लीज अपडेट कर दो। मैं भी ये 75 14 52 11 6 प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दो। क्लियर है मैम रिपीट कर दें लास्ट वाला, दोबारा रिपीट करो। यस मैम
अब दोबारा लास्ट टाइम सुन लेना ठीक है. मेरे पास क्वेश्चन था 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, ठीक है. ये शो कर रहा था कि ये डिविजन बाय टी प्रॉपर्टी है, तो मैंने क्या किया 1 माइनस कॉस टी का लैपलेस निकाला. 1 का लैपलेस 1 अपॉन s होता है, कॉस टी का लैपलेस s बाय s स्क्वायर प्लस 1 होता है. अब जैसे मुझे पता चला कि डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी है, मैंने s टू इंफिनिटी इसकी लिमिट लगा दी और f ऑफ s मैं ऑलरेडी निकाल चुकी थी, ठीक है. अब मैंने क्या किया इस पर अपर उस पर मैंने इंटीग्रेशन लगाई, इंटीग्रेशन लगाई तो मेरे पास क्या आ गया ln s 1 अपॉन s जो ln s हो गया और माइनस 1 अपॉन 2 s बाय s स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है. अब मुझे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सॉल्व करना था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट मेरे पास क्या थी इन्फिनिटी थी. अब जब मैं इन्फिनिटी लगा रही थी तो मैंने देखा कि यार ये तो मेरे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन रही थी. उस अनडिफाइंड फॉर्म से बचने के लिए मैंने क्या किया ऊपर और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में एस स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, तो मेरे पास 1 बाय 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर आ गया और लोअर लिमिट तो मेरी सेम रहेगी. तो 1 बाय 1 प्लस एस स्क्वायर पर जब मैंने इन्फिनिटी लगाई तो तुमने देखा कि 1 बाय 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो रहा था तो मेरे पास ln 1 आ रहा था. ln 1 किसके बराबर होता है जीरो, यानी अपर लिमिट मेरी क्या हो गई जीरो हो गई माइनस लोअर लिमिट मेरे पास माइनस 1 अपॉन वो वाली चीज सेम आ गई. तो फाइनली आंसर मेरा क्या हो गया 1 अपॉन 2 माइनस s बाय s स्क्वायर प्लस 1. अब क्लियर है रूल नंबर 75? रूल नंबर 75 अब क्लियर है? यस मैम. ठीक है, तीन दफा ये क्वेश्चन समझा चुके हूं. अब किसी को कोई डाउट है 34 01 71 32 प्लीज क्लियर करना. सब क्लियर है मैम. अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछती हूँ. जी मैम. अब मेरे पास क्वेश्चन है साइन 2t बाई टी, बताओ ये कैसे होगा. अपने पास जरा लिखो साइन 2t बाई टी, जल्दी से लिखो साइन 2t बाई टी. हाँ, साइन 2t बाई टी का मुझे आंसर दो. साइन 2t बाई टी क्वेश्चन तुम लोगों को दिख रहा होगा, f of t बराबर है sin 2t by t. बताओ कैसे सॉल्व करेंगे. देखो दोबारा से t देखते ही तुम्हें पता चल गया कि यार ये तो डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी है, यहाँ मुझे क्या s to infinity लिमिट लगाना है. अच्छा, sin 2t को ऑलरेडी तुम लोग f of s इसका निकाल लो. f of s sin 2t का क्या होगा 2 by s square plus 4. अब जिसको ये फार्मूला याद नहीं है, जिसको ये निकालना नहीं आ रहा, वो तो कर ही नहीं सकता, ठीक है. s to इन्फिनिटी 2 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 डी एस आ जाएगा. 2 को कॉमन निकाला तो एस टू इन्फिनिटी 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 डी एस आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 क्या होता है आपके पास 10 इनवर्स का इंटीग्रेशन में फार्मूला होता है. 10 इनवर्स एस बाई 2 एस टू इन्फिनिटी. क्या किसी ने ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन वहां किसी से ये वाला f of t is equal to sin 2t by t का मुझे आंसर दो. रोल नंबर 38, रोल नंबर 75, रोल नंबर 75, 38. आवाज आ रही है मेरी 38? 52 क्या आंसर आया साइन 3t बाई टी का? साइन 2t बाई टी का क्या आंसर आया रोल नंबर 6? 75 01 क्या नहीं है क्या तुम लोगों ने? 71 52 क्या हुआ?
रोल नंबर 52, रोल नंबर 11। और तुम लोग इतनी अटेंडेंस जो शॉर्ट आ रही है ना, तुम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मुझे नहीं बोलना। बहुत अटेंडेंस तुम लोगों की शॉर्ट है। मेरी आवाज आ रही है? रोल नंबर 71, 32, ताकि मैं ये क्वेश्चन दोबारा समझूं। यस मिस। क्या वो किया 71? क्या आंसर आया? मिस अभी कर सकते हुआ तुम लोगों से? हुआ तुम लोगों से कि मैं बताऊं? तुम लोगों से हुआ कि मैं बताऊं रोल किताब बताए? मिस 2 ब्रैकेट π/4 - 10^2। क्या बोल रहे हो? मैं दोबारा एक दफा बता भी रही हूँ, ठीक है? अभी जिसने मुझे सेंड किया ना, बहुत आगे पीछे काम सेंड कर दिया है। ये देखो क्वेश्चन था मेरे पास, f(t) = sin 2t/t, सही? sin 2t/t। सबसे पहले मैंने क्या किया, sin 2t का लैपलेस निकाला। sin 2t का लैपलेस क्या होता है? 2/s² + 4। अब डिवाइड बाय t देखते ही मुझे पता चल गया कि यार ये डिविजन बाय t प्रॉपर्टी है। मैंने s टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट लगाई 2/s² + 4 और ds किया, ठीक है? अब 2 को क्या किया, बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट था, तो s टू इन्फिनिटी, सुबह ना भाई का रास्ता बना दूंगा, s टू इन्फिनिटी सिर्फ अंडा नहीं बना, आटा रोटी, हाँ चल, s टू इन्फिनिटी 1/, और कपड़े सब धोने में ले लेना, 1/s² + 4 ds, ठीक है? अब देखो 1/s² + 4 किसके बराबर होता है? अगर आप लिमिट हटा, इसके इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो तो 10 inverse s/2। फॉर्मूला क्या था? 1/a 10 inverse s/a इससे आया है, ठीक है? s/2 और फिर s to infinity। मजीद ये कैसे सॉल्व हुआ ये देखो, 10 inverse s to infinity और s हमारे पास था, s याद रखना s ही रहेगा, पहला क्या हो जाएगा 10 inverse infinity हो जाएगा। 10 इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर होता है, और 10 इनवर्स s ही रहेगा, यानी फाइनली मेरे पास इसका आंसर आता है π/2 - 10 इनवर्स s। क्लियर है? क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है? जरा अपडेट कर दो बेटा। यस मिस, दोबारा क्लियर है। किसने बोला दोबारा बताए? मिस मैंने कहा एक दोबारा समझा दे प्लीज। थोड़ा मुझे बताओ कहाँ डाउट आ रहा है, थोड़ा तुम मुझे अब समझाओ, तुम्हें डाउट कहाँ आया जरा मुझे थोड़ा सा समझाना प्लीज, ताकि मैं वहीं से फिर आगे करूँ ना। शुरू से थोड़ा रिव्यू दे दे। क्या करूँ? क्या करूँ?
जिससे मुझे बोला ना दोबारा समझा, मुझे बताना कहाँ से समझ नहीं है, फिर मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँ। मैम तो सेकंड क्वेश्चन में शुरू से थोड़ा समझा दें एक दफा। कहाँ से बता दूँ? शुरू से मैडम। शुरू से बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि साइन टू टी का क्या फॉर्मूला लगाऊं, साइन टू टी का लैपलेस क्या लिखूं? अब इसमें तो जैसे समझाने का कुछ है ही नहीं, इसमें तो फार्मूला है, तो ये तो तुम्हें पहली क्लास से ही हमने पढ़ा हुआ है, तो समझ उसी वक्त में आएगा ना जब ये चीजें पता होंगी। तो मुझे ये बताओ कि लैपलेस क्या निकालूं साइन टू टी का, साइन टू टी का अगर तुम्हें लैपलेस पता होगा ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। साइन टू टी का लैपलेस क्या होगा, जल्दी बताओ, टाइम नहीं वेस्ट करो, पर मुझे तुम्हें समझाना भी है ना। टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, वो तो लिखा हुआ है ना इसमें। क्या लिखूं? बोलते जाओ। एस स्क्वायर प्लस फोर, ये तो लिखा हुआ है। मुझे पूरा क्वेश्चन समझाते जाओगे, मैं तुम्हें बताती जाऊंगी, ठीक है? इस तरह ज्यादा पढ़ने में भी मजा आएगा, तुम्हें समझने में भी मजा आएगा। हाँ बोलो, क्या है लैपलेस क्या आया तुम्हारा साइन टू टी का? टू बाय एस स्क्वायर प्लस फोर आया, ठीक है, यही आया ना, यही आया ना। मुझे अपडेट करो, कहाँ गए? जिसने बोला ना मुझे समझ नहीं है, वो साथ साथ करो ना, यही आया। अच्छा टू को तुमने टू को बाहर निकाला होगा। हाँ मेरे साथ ही रहना बिल्कुल, ताकि क्लियर हो ना, मुझे पता चले तुम्हें कहाँ डाउट आ रहा है। फिर तुमने टू को बाहर निकाला होगा लैपलेस के, तो हमारे पास एल ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर आया होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का क्या करूँ? वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का क्या करूँ? तुम्ही से पूछ रही मेरे भाई, जिससे बोला ना मैं समझ नहीं आया उसी से पूछ रही हूँ। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन क्या, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एस बाई ए आया, एस बाई फोर आया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मुझे बस एक कंफ्यूजन थी, जो हमारे पास है ना, जो अबव क्वेश्चन में जो है ना, जो हमारे पास वन है, तो उसको आपने इग्नोर क्यों किया? क्या बोल रहे हो? जो हमारे पास जो है ना, जो सेकंड क्वेश्चन है साइन टू टी के साथ जो है ना, हमारे पास जो वन है, बात कर रहे हैं अभी, तो हम साइन टू टी की बात कर रहे हैं ना, जिसमें तुम्हें मैंने समझाया, तुमने बोला मुझे डाउट है, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें तुम्हें क्या डाउट आया ये बताओ मुझे। साइन टू जो क्वेश्चन के बाद जो पहला स्टेप है ना, जिसमें आपने जो है वन के साथ जो है लैपलेस लगाया हुआ है, तो वो जरा कंफ्यूजन था, बाकी तो समझ में आ गया। लैपलेस लगाया मेरे पास तो क्वेश्चन साइन टू टी है, मैंने वन के साथ कहां लैपलेस लगाया? तो उसके जो बिलो जो है ना, जो पहली लाइन है, उसमें जो है आपने वन को जो है मल्टीप्लाई करा है साइन टू टी के साथ, तो ये वन आपने फिर बाद में इग्नोर किया है क्या? यही बस थोड़ी कंफ्यूजन। नहीं नहीं, ये ऊपर वाला तुम जो बोल रहे हो वन अपॉन टी और एल साइन टी, नहीं ये गलत हुआ है ना, ये क्या है? ये तो खाली इसने खोला हुआ है कि मिस लैपलेस ऑफ वन अपॉन टी और लैपलेस ऑफ साइन टू टी बाई टी, ये चीज है ही नहीं ना। लैपलेस ऑफ साइन टू टी बाई टी जो है, टी डिवाइड बाई टी जो है, वो शो कर रहा है कि ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है। ये इसने वन अपॉन साइन इसलिए इसने लिखा है, ये चीज इसलिए इसने लिखी है क्योंकि मैं क्लास में हमेशा बताती थी कि यार तुम लोग डिफरेंशिएट कर सको कि क्या ये मल्टीप्लाई टी प्रॉपर्टी है डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी है। अब अगर डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी में अक्सर स्टूडेंट क्या करते कि वन अपॉन टी और साइन टू टी को अलग कर देते, आप इसको इस तरह अलग लैपलेस इसका नहीं निकाल सकते। लैपलेस आप उस सूरत में अगर निकाल सकते थे जब अगर ये यूं होता ना टी प्लस साइन टू टी, तो तुम क्या करते लैपलेस टी का अलग निकालते, बीच में प्लस लिखते और साइन टू टी का लैपलेस अलग करते। लेकिन जब आपके पास यही चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है जैसे टी साइन टू टी, या यही चीज आपके पास जब डिवाइड में होती है कि साइन टू टी बाई टी, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो। बल्कि कैसे करते हो, आपको उसका आपको या तो मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी लगानी होती है या डिविजन बाय टी प्रॉपर्टी लगानी होती है। ये सही बात है तुम्हारी कि जो इसने ऊपर इस तरह लिख दिया कि एल वन अपॉन टी और एल साइन टू टी, तो ये कन्फ्यूज कर रहा है कि यार ये क्या दोनों पे अलग अलग लैपलेस तो हम लगा ही नहीं सकते। हम दोनों पे अलग अलग तभी लगाते हैं जब बीच में प्लस या माइनस होता। ये जो ऊपर वाला स्टेप जिसने ये नोट्स भेजे हैं और ये जिसने ऊपर वाला ये स्टेप लिखा है कि एल ऑफ वन अपॉन टी और एल ऑफ साइन टू टी, तो इसने गलत किया है। क्यों? क्योंकि एल ऑफ वन अपॉन टी और एल ऑफ साइन टू टी इस तरह अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि साइन टू टी के पास भी डिवाइड हो रहा है टी से, और आप इसको अलग अलग जब तक इसमें प्लस या माइनस ना हो आप इसको इस तरह अलग अलग
लैपलेस नहीं लगा सकते। लैपलेस आप तभी लगा सकते हो इसके अंदर जब आप इस पर प्रॉपर्टी लगा। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, तभी हम लोग को प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी ना, इनको अलग करने के लिए ही हमें प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी, इसीलिए हम लोगों ने एस टू इन्फिनिटी इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, और वहां जब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हम लोगों ने माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस डी एस लगाया। मैंने क्लास में भी बहुत दफा बताया था कि हम लोग जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, हम लोग इसको इस तरह अलग नहीं कर सकते, एक को इसका लैपलेस दे दिया, एक को इसका लैपलेस दे दिया, हम इस तरह अलग नहीं, हम प्लस और माइनस को अलग कर सकते हैं जबकि हम मल्टीप्लीकेशन और डिविजन को अलग नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग को ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। अब क्लियर भी ये बात, जिसने बोला था मैं इसे सवाल नहीं समझ आ रहा उसको ये बात क्लियर भी? यस मैडम। ये जो ऊपर वाला स्टेप है ना, अगर हो सकता है तो तुम लोग को काटना हो तो काट दो, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग को एक क्वेश्चन और नजर आ रहा होगा, e की पावर माइनस टी साइन टी बाई टी, e की पावर माइनस टी साइन टी बाई टी, यानी अब तुम लोग खुद देख रहे होगे कि e की पावर माइनस टी साइन टी बाई टी, यार इसमें शिफ्टिंग की भी प्रॉपर्टी लग रही है और डिवाइड बाई टी देखकर तुम लोग को ये अंदाजा हो रहा कि इसमें डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी भी लग रही है। क्वेश्चन समझ आया? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ जो मैं बोलना चाह रही हूँ? क्वेश्चन देखा तुम लोगों ने, e की पावर माइनस टी साइन टी बाई टी, क्वेश्चन समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? कोई अल्लाह का बंदा रिप्लाई कर, इसमें देखो डबल प्रॉपर्टी लग रही है, एक तो डिवीजन की भी प्रॉपर्टी लग रही है, ऊपर से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लग रही है। ये बात क्लियर भी? ये क्लास में भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाई टी में काफी क्वेश्चन इस तरह किए थे जिसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगती थी और मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी लगती थी। अब यहाँ क्या हो रहा है, डिवीजन की भी प्रॉपर्टी लग रही है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लग रही है। जब ऐसा हो कि दोनों प्रॉपर्टी लग रही हो, तो आप क्या करोगे कि अगर आपके पास एक सेकंड, अगर दोनों जैसे आपके पास दोनों दो प्रॉपर्टीज आपके पास दी हुई हो, तो पहले तो आप क्या करो, जैसे साइन टी बाई टी है तो सबसे पहले आप साइन टी बाई टी को सॉल्व कर लो। जैसे साइन टी का आपने लैपलेस निकाल लिया, साइन टी का लैपलेस आपको पता है 1/s² + 1 आ गया। फिर आप क्या करो, इसका आप साइन टी का जब आपने लैपलेस निकाला तो आपने क्या किया, बाई टी। अब बाई टी प्रॉपर्टी, बाई टी प्रॉपर्टी क्या है, टी प्रॉपर्टी वही है एस टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ एस डी एस। तो सबसे पहले आपने क्या किया, उस लैपलेस का आपने प्रॉपर्टी लगा दी, डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी। जब डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी आपकी लग जाए तो आप क्या करो, जो आपका लिमिट्स लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के आपके पास जो फाइनल आंसर आता है उसमें आप लोग क्या करो, लैपलेस की वो लगा दो, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ था इसके साथ, ई दिया हुआ था। दोबारा बताती हूँ क्या बोलना चाह रही हूँ। देखो क्वेश्चन है, आपके पास ई की पावर माइनस टी साइन टी बाई टी। सबसे पहले आपने साइन टी का लैपलेस निकाला जो 1/s² + 1 आया। अब डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी एस टू इन्फिनिटी 1/s² + 1। अब 1/s² + 1 पे क्या होगा, 1/s² + 1 पे तुम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले इन वो लगानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ जिसने भेजा है, उसका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ये शायद तुम लोगों को खुद मैंने बोला होगा करने के लिए, समझा देती हूँ थोड़ा सा, जरा समझ लो क्या करना है। अच्छा, 1/s² + 1 जब आया उस पर तुम लोग क्या करोगे, एस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाओगे। अब इन्फिनिटी की लिमिट लगाओगे क्योंकि एस की तो ऑलरेडी तुम्हारे पास लिमिट वही सेम रहेगी। जब तुम लोग लिमिट लगा लोगे तो जो तुम्हारे पास आंसर आएगा उसमें एस की जगह तुम लोग क्या करोगे, प्लस वन से उसको शिफ्ट करोगे। बात क्लियर हो रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? बात क्लियर हो रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? बात क्लियर हो रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? नहीं, मिस नहीं आया, नहीं समझ आया।
देखो क्वेश्चन आपके पास क्या था, e की पावर माइनस टी और साइन टी, ठीक है। पहले तुम लोगों ने क्या किया, साइन टी का लैपलेस निकाला, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। यस मैम। रोल नंबर 71, साइन टी का लैपलेस निकाला जो कि 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 था। अब तुमने देखा कि यार डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी है और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई हो रही है। सबसे पहले तुमने डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी लगाई जो कि एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। ये क्लियर है रोल नंबर 71, यहाँ तक क्लियर है रोल नंबर 71? अपन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 पे पहले तुम एस टू इन्फिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे, ये चीज क्लियर है? यस मिस। अब जब तुमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, ये क्वेश्चन मैंने खुद होमवर्क में दिया था या मैंने क्लास में आधा करवाया था, जब तुम लोगों ने यहाँ तक किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो तुम्हारे पास एक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। वो जो सोल्यूशन तुम्हारे पास आया उस पर तुम लोग जहाँ जहाँ एस है ना, जहाँ जहाँ तुम्हारे पास एस लिखा हुआ उस पर तुम लोग क्या करोगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ई माइनस टी है ना, यानी जहाँ जहाँ एस है वहाँ क्या लगा दोगे, एस प्लस वन का लगाओगे क्योंकि माइनस टी की प्रॉपर्टी प्लस वन है। क्लियर भी ये बात 71? क्लियर है ये बात 71? क्लियर है मिस? ये मिस टेंजेंट की जगह मिस साइन टी क्यों लगाया? साइन टी टेंजेंट की जगह साइन टी क्यों लगाया? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व नहीं हुआ है रोल नंबर 71, ये खुद करोगे, ठीक है, सही है, ये खुद करोगे। अब मेरी नेक्स्ट, किसी को कुछ डाउट है इन क्वेश्चंस में? 11, 34, 32, 87 डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी क्लियर हो गया है? डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी क्लियर है तुम लोगों को? अभी हम और थोड़े क्वेश्चंस, कल तो मेरी क्लास नहीं है, वेडनेसडे करेंगे। क्लियर हो गया है तुम लोगों को ये क्वेश्चंस? यस मैम। ओके मैम, ठीक है तुम लोग क्लास ज्वाइन कर लो, मेरी नेक्स्ट क्लास अब तुम लोगों के पास वेडनेसडे है ना या थर्सडे? मेरी नेक्स्ट क्लास थर्सडे है ना तुम लोगों के पास? थर्सडे है, मुझे जहाँ तक याद है, चेक करो। यस मैम थर्सडे है 11 बजे। थर्सडे ठीक है, अच्छा थर्सडे वाले दिन मैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चन भी करवाऊंगी और हो सकता है कि मैं किसी से भी कोई फार्मूला या टेस्ट भी ले लूँ, ठीक है, इसलिए रेडी रहना। और मैं एक्स्ट्रा क्लास का भी तुम लोगों को आज शेड्यूल भेजती हूँ। मैं क्लास एंड कर रही हूँ, ठीक है मैम, बाय बाय। रिकॉर्डिंग ही आंटी।